इंडिया में सिर्फ दो टाइप की चीजें होती हैं, एक लीगल और एक जुगाड़ से। तो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एक्चुअली मुझे पता है मैं एक महीना लेट हूँ वीडियो डालने से, लिए मुझे अप्रोक्स 25 डेज हो गए हैं। तो इस बीच में मैं थोड़ा बिजी था ड्यू टू माय एग्जाम्स एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो नहीं आ पाई, एंड मेरे पास बहुत सा कंटेंट था जो मुझसे छूट गया है। आई होप मैं इन फ्यूचर से कैचअप कर लूँ। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि आज की जो वीडियो है वो है कि जो यूट्यूब पे 4000 वॉचिंग आ रहा है या वॉच टाइम है, उसे कैसे पूरा करें, वो भी विद इन 5 सिंपल स्टेप। सो गाइस, आज मैं आपको छोटे से ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसमें सिर्फ 5 स्टेप से आप अपना वॉच टाइम जो है वो 4000 का कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज एक नए स्टार्टअप को, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्टअप किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये 4000 आर कैसे कंप्लीट होगा। जो 1000 का जो एम होता है वो तो चल लोग किसी ना किसी से सब्सक्राइब करवा के कर देते हैं, या किसी रिश्तेदार से या फ्रेंड्स को पकड़ के, या फिर ऐसे किसी भी मार्केट में किसी को भी उठाया, चल भाई ये मेरा नया चैनल है, मैंने स्टार्टअप किया है, इसको जाके सब्सक्राइब करें। लेकिन जो 4 टाइम वॉचिंग आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है हर आपकी जो वीडियो होती है वो हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे देखते हैं, ज़्यादा कोई नहीं देखता। जो आपका एक दिन का टोटल एस्टिमेटेड टाइम आता है वो 5-6 घंटे का आता है, क्योंकि सारी वीडियो कोई नहीं देखता। एंड गाइज, जो मैंने एक ट्रिक अपनाई है, मैं वो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि तूने जो 4000 वॉचिंग आर था वो तूने कैसे कंप्लीट किया। सो मैं गाइज आज उसके सिर्फ 2 ट्रिक्स बताऊंगा जो कि यूजफुल है एंड एक वैलिड रीजन है, क्योंकि अभी नई एक यूट्यूब की पॉलिसी है ये, जिसमें पता लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वॉच आर ही काउंट होंगे, ना गूगल एडवर्ड्स के, ना कोई, कुछ लोग बंदे फेक ले लेते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है वो फेक ले लेते हैं तो वो भी काउंट नहीं होंगे। आपको प्रॉपर पब्लिक वॉच आर चाहिए जिसमें एक बंदा बैठ के आपकी वीडियो देख रहा होगा। सो इतना बेला तो आज की दुनिया में कोई नहीं है, आपको ही पता। सो इसके लिए हमको एक नई ट्रिक अपनानी है जो मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक में दिखाता हूँ। सो गाइज, वेट, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ उनमें से जो एक चीज़ है वो कॉमन है, वो एक ट्रिक में भी है, सेकंड ट्रिक में भी है। उसमें आपको क्या करना है कि अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करनी है जो कि 1 घंटे से ज़्यादा की हो। उससे क्या होगा वो मैं आपको आगे आने वाले स्टेप स्टार्ट कर बताता हूँ। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जैसे मैंने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक 1 से। ट्रिक 1 में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने चैनल पे 1 घंटे की वीडियो अपलोड करनी है। मैंने भी करी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें क्या करना है, आप कुछ भी डालिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक वैलिड कॉन्टेंट होना चाहिए, ना उस पर कॉपीराइट होना चाहिए, ना उस पर कोई भी आपकी स्पैम या कोई इनअप्रोप्रिएट जो यूट्यूब के अगेंस्ट हो, उसके कम्युनिटी गाइडलाइन एंड उसकी पॉलिसीज के, तो वो वीडियो ऐसी नहीं डालनी है। आपको एक 1 आवर की प्रॉपर विदाउट कॉपीराइट क्लेम वीडियो डालनी है। सो गाइज, स्टेप 1 इज दैट कि आपको अपने एक स्पेयर फोन लेना है। स्पेयर फोन में अपनी एक नई जीमेल बनानी है। जब आपने ये जीमेल और नया फोन, मतलब स्पेयर फोन ले लिया, तो आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, आपको सेकंड स्टेप में ये करना है कि सेकंड स्टेप में जैसे आपने जो ईमेल बनाई है वो आपको अपने नाम से नहीं बनानी। जैसे मेरा नाम आरुष है तो आपको आरुष के नाम से नहीं बनानी है, आप किसी रैंडम नेम से बना दीजिए, लेकिन एक वो नाम होना चाहिए किसी का। सो आपको वो नाम से बना के आपको जो आपका चैनल है आरुष, जैसे ARR ब्लॉग है, वो सब्सक्राइब करके रखना है। स्टेप 3 डन। सो गाइज, स्टेप 4 की बारी आती है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि आपको जो आपकी वीडियो है उसमें अपने स्पेयर फोन में चलानी है। स्पेयर फोन में वो 1 आवर की वीडियो प्ले करनी है। 1 आवर की वीडियो को प्ले करने का जो 4th और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको जो प्लेबैक टाइम है, प्लेबैक स्पीड होती है, वो आपको सबसे कम कर देनी है, यानी कि 0.25x। जब आप 0.25x कर दोगे तो आपका जो 1 घंटे की वीडियो है, जो 1 घंटे की वीडियो को आप ओपन करके साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब आपकी 1 घंटे की जो वीडियो है वो आपको 3 घंटे का वॉच टाइम देगी। ऐसा ही आपको कम से कम 3 या 4 या 6 मंथ तक, जब तक आपका वॉच टाइम नहीं होता, ऐसा करना है, क्योंकि ये ट्रिक मैंने भी यूज करी हुई है और सबसे ज्यादा वॉच टाइम मेरे 1 आवर वीडियो का ही है। नाउ गाइज, कम टू द पार्ट 2, ट्रिक 2 जो मैंने आपको बताई थी। ट्रिक 2 में ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट वो है कि आपको 1 आवर प्लस की वीडियो आपको अपलोड करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके घर में वाईफाई लगा है या फिर जिन्हें इंटरनेट की कोई कमी नहीं है,
बहुत दोस्त होते हैं ऐसे उनके जिनके घर में वाईफाई मतलब लगा हुआ होता है, और आजकल वैसे भी गीगा फाइबर बहुत आ गया तो सस्ते में हमारा काम निपट जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपका कोई भी फ्रेंड है अगर नेट सर्फ कर रहा है या आपका जो लैपटॉप फ्रेंड है वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो आपको उसको वो लिंक शेयर करना है, कहना है कि तुम ऐसा करो तुम जब भी लैपटॉप चलाते हो मेरी वीडियो बैकग्राउंड में या मतलब अलग टैब में गूगल क्रोम के वहाँ पे ऑन करके म्यूट करके उसको प्लेबैक स्पीड कम कर दो, क्योंकि एक एवरेज टाइम होता है लैपटॉप का 2.5 से 3 घंटे तक की बैटरी निकलती है। तो ऐसा वो तब तक एक इंसान चलाता है, तो ऐसा है कि वो उस 1 घंटे के वीडियो से आपका 3 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर आप ऐसे अपने 10 या 20 मिनट ढूंढ लोगे जो आपका करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे आपका वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। एंड बाकी का जो आपका थोड़ा बहुत वॉच टाइम रहता है वो आप अगर आप रेगुलर वीडियोस डालेंगे तो आपका वो जो वीडियो जो आपकी जो वॉच टाइम है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस एक और बात कि आजकल कुछ लोग जो है वो व्यूज मतलब वॉच टाइम व्यूज सब्सक्राइब वगैरह खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि बिकॉज यूट्यूब आजकल बहुत हाई लेवल का शातिर हो गया है, उसे पता लग जाता है कि ये जो वीडियोज है या ये जो सब्सक्राइबर है या ये जो व्यूज है वो खरीदे हुए हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको मैंने एक वैलिड तरीका बता दिया, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो एक बार आप यूज करें। एंड मैं सच कह रहा हूँ मेरा भी ऐसे ही हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है YouTube में, और कोई बड़ी बात नहीं है। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अभी नए नए YouTube में अपना करियर शुरू कर रहे हैं या फिर जिन्होंने नया नया चैनल बनाया है, कि उन्हें वॉच टाइम का जो झंझट है वो उससे कैसे दूर निकलना है, क्योंकि ये झंझट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज जो 4000 वॉच आवर का टाइम है साला 1 घंटे 1 साल में पूरा करना है, एंड ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज नहीं हो पाता। और इसी स्ट्रेस के कारण कुछ लोग अपने यूट्यूब का जो करियर है वो हाफ में छोड़ के चले जाते हैं कि यार हमारा नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, हम छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक लीगल और एक जुगाड़ से। हमने भी जुगाड़ किया, हमारा भी काम बन गया, बात खत्म। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड इसी के साथ साथ मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, एंड आई नो मैंने वीडियोस नहीं डाली थी तो मेरा जो सब्सक्राइबर रेट है वो बहुत ड्रॉप हो चुका है, 1000 के आसपास पहुंच गया है, आई थिंक 1150 के आसपास था, 1150 के आसपास था, वो 1000 के आसपास पहुंच गया बिकॉज मैंने वीडियो नहीं डाली, मेरी गलती है। एंड इसी चक्कर में मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर थे वो छोड़ के जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना, इस वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइबर लेके आए मेरे लिए। उसके बाद आप टेंशन ना लो, आराम से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, ट्रैवल का भी मैं सोच रहा हूँ, बाद में देखेंगे।